सब्सक्राइब कीजिए राठौर कंप्यूटर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अतिथि शिक्षक का वेतन दुगना हो गया, तो वह कितना हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। भोपाल विधानसभा चुनाव में आचार संहिता की संभावनाओं के बीच सोमवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में रिकॉर्ड 80 मुद्दों पर विचार किए गए। इसमें बड़े वर्ग को साधते हुए सरकार ने मिड डे मील के 2.23 लाख रसोइयों और 90,000 अतिथि विद्वानों को मानदेय को में दुगनी वृद्धि को हरी झंडी दी। वही अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सब इंस्पेक्टर और आरक्षक की नौकरी दी जाएगी। दतिया और भिंड नगर पालिका को नगर निगम बनाने की सैद्धांतिक सहमति कैबिनेट ने दी। छिंदवाड़ा में उद्यानिकी कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया, तो वायु संपर्कता नीति 2018 को मंजूरी दी गई। जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए 2,23,000 मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों का मानदेय 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये तक करने का फैसला किया। वही अतिथि विद्वान 1 अगस्त 2018 से दुगनी मिलेगी, जिन्हें 2,500 मिलती थी, 3,500 मिलती थी और 4,500 रुपये मिलते हैं। एक निर्णय सरकार पर 568 करोड़ रुपये का व्यय आएगा। वही छतरपुर सिवनी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 300-300 रुपये की स्वीकृत दी जाएगी। और यहाँ पर कितना मिलेगा, राज्य सरकार अतिथि शिक्षक को संविदा शिक्षक के समान मान्य देगी। प्राइमरी के बच्चों को महीने भर पढ़ाकर 2,400 रुपये पाने वाले अतिथि शिक्षकों को 5,000 रुपये दिए जाएगा। संविदा शिक्षक वर्ग 2 की जगह पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षक को 3,600 रुपये के स्थान पर 7,000 मिलेगा। वर्ग एक की जगह पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षक को 4,320 रुपये के स्थान पर 9,000 रुपये मिलेगा। अतिथि शिक्षक को वेतन में दिन के हिसाब से 100-150-180 रुपये दिए जाएगा। इसमें महीने में 24 दिन से ज़्यादा हाजिरी नहीं होती, कई बार छुट्टी ज़्यादा कम राशि मिलती है।